कर्नल बलदेव सिंह जी के शानदार सेना के सफ़र और 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मानित श्री तहसीलदार जी रामेश्वर राम जी छाबा से निवेदन करूंगा कि उनके व्यक्तित्व को किस तरीके से आकलन करते हैं और कर्नल साहब के द्वारा जो कैंप ऑर्गेनाइज किए गए बच्चों के लिए उसमें भी साहब ने मोटिवेशनल स्पीकर की भूमिका निभाई है। तो आज इनके सेवानिवृत्ति और नई लाइफ जर्नी स्टार्ट हो रही है उसको लेकर के शुभकामनाएं। हरिराम जी वाकई कर्नल साहब के लिए एक छोटी उपाधि तो मैं क्या दूं, कई उपाधियां दूं तो भी कम पड़ जाएगी। ये मोटिवेशनल स्पीकर है, राइटर है, ट्रेनर है, ओरेटर है, मेंटर है, काउंसलर है, कोच है, कम्युनिकेटर है, कन्वर्सेशनलिस्ट है, आइकन है, आइडियल है, सोलोमन है, रोल मॉडल है, ये शक्तिमान है, ये शक्तिपुंज है, ये इन्फ्लुएंसर है, ये इम्प्रेसिव है, ये इम्पैक्टर है, ये इंस्पिरेशनल है, क्या क्या बोला इनके लिए। मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है तो ये अपने क्षेत्र में हिस्ट्री मेकर है, या वर्ल्ड चेंजर है, या एम्पायर बिल्डर है। तो जितना इन्होंने किया उससे ज़्यादा तो अभी ये करने जा रहे हैं, ये रिटायर नहीं हो रहे हैं, ये एक नई पारी खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कर्नल साहब को। वाकई कर्नल साहब समाज के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे और मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कर्नल बलदेव सिंह जी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके महान कार्यों और व्यक्तित्व कर्तित्व को किस तरीके से आँकते हैं हमारे श्री सेलाराम जी सारण जो लूणी के पूर्व प्रधान हैं, मारवाड़ के बड़े किसान नेता हैं, राष्ट्रीय मंत्री है किसान मोर्चा बीजेपी के। सर कर्नल बलदेव सिंह जी के सैन्य जीवन को आपने नज़दीक से देखा है, जोधपुर में एनसीसी हेडक्वार्टर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में किस तरीके से इन्हें शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहले तो मेरे भाई हैं तो मैं वैसे भी मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनको शुभकामना प्रेषित करूं और आगे के लिए मंगल कामना प्रेषित करूं कि ये सेवानिवृत्ति के बाद पूर्ण मनोवेग से हर क्षेत्र के अंदर अपनी सेवाओं का लाभ समाज के अंदर पहुंचाए, जिले में पहुंचाए, स्थानीय गांव और अपनी रानी तक पहुंचाए और राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी सेवाओं का लाभ लोगों को मिले, इनके अनुभवों का मिले, ऐसी मैं मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। और इन्होंने समाज के सुधार के लिए विशेष तौर से आदमी जिस समाज में पैदा होता है, चाहे वो संत है, चाहे वो सेवा में है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में है, उसका पहला धर्म बनता है कि वो अपने स्थानीय स्तर पर कुछ सुधार के लिए, कुछ उस अपना योगदान देने के लिए एक तरह को अपना आप को ऋणी मानता है और कुछ करता है तो उसको ऋण मुक्ति का अपना आप में आभास एहसास होता है। ऐसा इन्होंने अपने क्षेत्र में किया। सबसे पहले इन्होंने जो एक मौसर की परंपरा है और विशेष तौर से मारवाड़ में ज़्यादा है, बाल विवाह थोड़े थोड़े कम हुए हैं और थोड़े थोड़े कम होने का कारण है कि विवाद बहुत बढ़ने लगे, क्योंकि मैं वकील भी हूँ, अगर फैमिली कोर्ट में जाके देखो लेने लगी हुई है। बाल विवाह करने से कई बार बच्चे बच्चियों का जो जीवन स्तर है उसमें कई भिन्नता रहती है, शिक्षा के क्षेत्र में, उनके कद पद में, विचारधारा में। तो इन्होंने सबसे पहले और मौसर के साथ साथ ही बाल विवाह होते थे मारवाड़ में, अब काफ़ी कम हो गए और इन्होंने अपने पिताश्री के उस पर भी जो है मौसर में कोई तरह का वो आडंबर नहीं किया, जो अपने सांस्कृतिक हिंदू धर्म सनातन धर्म की परंपरा है उसका पालन करते हुए 12 दिन पूर्ण किए और लोगों को ये संदेश दिया। और विभिन्न जो संस्था है विशेष तौर से शिक्षा से जुड़ी उनके अंदर इन्होंने यथासंभव अपना योगदान पिताजी की स्मृति में किया। हमारे कर्नल बलदेव सिंह जी मानव साहब की 39 वर्ष की सैन्य सेवा के बाद में जो अब सार्वजनिक जीवन सामाजिक जीवन शुरू होने जा रहा है, उस 39 वर्ष के सैन्य जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। उनकी जीवन संगिनी वंदना जी हमारे साथ में है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से कर्नल साहब की लाइफ रही और आपका दाम्पत्य जीवन, बच्चों की प्रोग्रेस और उसके बाद में परिवार में एक हैप्पीनेस खुशहाली आई है, तो किस तरीके से देखते इस जर्नी को। ये तो हमारे सारा इन्हीं का ही है, सब कुछ बहुत ही अच्छा। हमको तो ऐसे पता भी नहीं था कि हम ही शहर में आएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। अब दिल्ली पहली बार, लोग तो जाने से डरते हैं कि दिल्ली जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, दिल्ली में कैसी है, कैसे रहेंगे, तो हमको ऐसा नहीं लगा था। बच्चों को आपने दिल्ली में रखा? हाँ, दिल्ली में 8 साल रखे हमने, 8.5 साल रह के दिल्ली में पढ़ाया, तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे मेरी बेटी 11th 12th करी वहाँ से, वो कॉलेज वहाँ से करी दिल्ली से, बेटे ने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, इसने बस 12th वहाँ से करी, अभी वो दिल्ली में है कॉलेज में।
कर्नल साहब की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे सामाजिक सरोकार करते हैं, परिवार में बहुत सारे नवाचार किए हैं, तो बहुत सारे अप्रिसिएशंस भी आते होंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि कर्नल साहब कहीं 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 करता रहता है, भाभी जी थे टोक वो करो, तो ऐसी स्थिति आई होगी। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ इन्हीं का ही है बस। तो अच्छा लगा, जॉइंट फैमिली है, अब इनके भाई वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो घर में सब परिवार अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। घर में परिवार जुड़ के नहीं रहते तो वो सब कुछ वो नहीं है। हाँ, तो साहब की बहुत शानदार जर्नी से बहुत खुश हैं? बहुत खुश है, हम तो बहुत खुश है। साहब की जर्नी से तो हमने पूरी दुनिया देख ली नहीं तो गांव में ही रहते थे, पता ही नहीं था कि शहर भी क्या चीज़ है, कभी शहर में आए भी नहीं। हमने तो पहली बार ट्रेन देखी, फ्लाइट देखी। कोई जिंदगी का ऐसा रोमांचक पल, चाहे आपका साहब के साथ कोई टूर रहा हो या कोई कार्यक्रम ऐसा रहा हो जो आपके जीवन का बहुत यादगार बन गया हो? नहीं, यादगार हम जब वहाँ जम्मू कश्मीर में गए थे, वहाँ पे घूमे थे सब जगह, बहुत अच्छा लगा। वहाँ बर्फ़ की पहाड़ियाँ, या तो रेत की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ बर्फ की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे सब जगह गए थे, बहुत अच्छा लगा घूमने को। और फ्लाइट डिले हो गई हो? हाँ, फ्लाइट डिले हो गई हमारी थी, एक हफ्ते में आना था, तो उसी दिन बहुत ज़्यादा वो बर्फ़ पड़ गई थी तो फ्लाइट डिले हो गई, तो हमको बहुत मुश्किल हुआ आने का। वहाँ एयरपोर्ट पे जाके वहाँ बैठे रहे पूरा दिन, तो कैसे भी करके साहब ने पता नहीं मैनेज कर लिया था। अच्छा, अब जब ये पर्यावरण चेतना यात्रा निकाल रहे, धरती बचाने की एक बहुत बड़ी है, महिला एक सृजनशील होती है, सृष्टि की रचनाकार मानी जाती है, धरती बचाने की एक बड़ी मुहिम ये छेड़ रहे हैं, इसके बारे में आप कितनी समझ पाती है, क्या सोचती है? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है कि आने वाले टाइम में ये पेड़ पौधे का तो बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसका तो, पेड़ पौधा का तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। अच्छा, ये बहुत सारे सामाजिक कामों में बहुत खर्चा करते हैं, कभी ऐसा नहीं लगता कि इतना खर्च करें फिर बच्चों के लिए जोड़ के रखो, तो ऐसा कोई भाव आया कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, पहले तो शुरू में तो थोड़ा था ही अभी ऐसा नहीं है, जितना हम कभी पूछते नहीं है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो ऐसे फालतू ये करते भी नहीं है। तो देखो, ये वंदना जी हैं और बहुत ही शालीनता के साथ में, विनम्रता के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में इनकी जर्नी कर्नल साहब के साथ रही है, तो ये एक तरह से एक आदर्श जोड़ी भी हैं। जो भी ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सोशल वर्कर्स हैं, या जिस भी रूप में बिजनेस आइकन हैं, उन लोगों के जीवन में भी अपनी प्रगति, हैप्पीनेस के साथ में परिवार का समन्वय इस तरीके का हो, तो निश्चित रूप से जीवन में एक नई ऊँचाई मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।